अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत फ़ज़ल बिन मूसा फरमाते हैं कि हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह तौबा से पहले डाकू थे और अब योर्द और सरखस के दरमियान डाका जनी किया करते थे। इनकी तौबा का सबब यह हुआ कि उन्हें एक लौंडी से इश्क हो गया। एक मरतबा वो इसके पास जाने के लिए दीवार पर चढ़ रहे थे कि उस वक्त किसी ने यह आयत पढ़ी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। जूँ ही ये आयत आपने सुनी तो बेख्तियार आपके मुंह से निकला, क्यों नहीं मेरे परवरदिगार, अब इसका वक्त आ गया है। चुनाचे आप दीवार से उतर पड़े और रात को एक सनसान और बेआबाद खंडर नुमा मकान में जाकर बैठ गए। वहाँ एक काफिला मौजूद था और शुरकाए काफिला में से बाज़ कह रहे थे कि हम सफ़र जारी रखें, और बाज़ ने कहा सुबह तक यहीं रुक जाओ क्योंकि फ़ुज़ैल बिन अयाज़ डाकू इसी अतराफ़ में रहता है, कहीं वो हम पर हमला ना कर दे। आपने काफ़िले वालों की बातें सुनी तो गौर करने लगे और कहा, अफसोस, मैं रात के वक्त भी गुनाह करता हूँ और मेरे गुनाहों की वजह से मुसलमानों का ये हाल है कि वो यहाँ मुझसे खौफज़दा हो रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला मुझे इनके पास इस हाल में लाया है कि मैं अपने जुर्म से रुजू कर चुका हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और अब मैं सारी ज़िंदगी काबतुल्ला की मुजावरी में गुजार दूँगा। इबन मुबारक, जिनका जुहद व तक्वा खुद ज़र्बुल मिसल था, वो फरमाते हैं कि फ़ुज़ैल इस ज़माने में सबसे मुत्तकी आदमी थे। दूसरी रिवायत ये है कि वो फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक ज़मीन पर इस वक्त इनसे ज़्यादा अफजल कोई दूसरा नहीं है। खलीफा वक्त हारून रशीद कहा करते थे कि उलमा में इमाम मालिक से ज़्यादा बारोब और फ़ुज़ैल बिन अयाज़ से ज़्यादा मुत्तकी आदमी मैंने नहीं देखा। हारून ने जो कुछ कहा था वो सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि खुद इसका ज़ाती तजर्बा था। फ़ाज़ल बिन रबी का बयान है कि अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद हज के लिए निकले तो वो मुझसे भी मिलने आए। मैंने सुना अमीरुल मोमिनीन आए हैं तो तेज़ी से उनके पास आया और अर्ज़ किया, आप मुझ ही को तलब कर लेते, खुद हाजिर हो जाता। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में कुछ खलिश है, किसी ऐसे आदमी के पास ले चलो जिससे मैं अपनी तस्कीन हासिल कर सकूँ। फ़ाज़ल ने कहा, यहाँ सुफियान बिन उयैना मौजूद हैं, आप मेरे साथ उनके पास चलिए। चुनाचे हम लोग उनके दरवाजे पर पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने अंदर से पूछा कौन। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन आपसे मिलने आए हैं। ये सुनकर वो तेज़ी से आए और बोले, अमीरुल मोमिनीन आपने बुला लिया होता मैं खुद हाजिर हो जाता। हारून रशीद ने कहा कि अच्छा, जिस काम के लिए हम आए हैं वो शुरू कीजिए। हारून ने उनसे कुछ देर बातचीत की, फिर पूछा, आप पर किसी का कर्ज तो नहीं है? इब्ने उयैना ने इस बात में जवाब दिया। हारून उसकी अदायगी का हुक्म देकर उनसे रुखसत हुआ। जब बाहर आया तो इसने फ़ज़ल से कहा कि तुम्हारे दोस्त से मुझे तस्कीन नहीं हुई, किसी दूसरे साहिब इल्म के पास ले चलो। फ़ज़ल अब्दुर्रज़ाक बिन हम्माम की खिदमत में ले गए, वहाँ भी हारून को तस्कीन नहीं हुई। फिर ये काफिला फ़ुज़ैल बिन अयाज़ के पास पहुँचा। इब्ने अयाज़ उस वक्त नमाज में थे और एक ही आयत को बार बार दोहरा रहे थे। गालिबन जब वो फारिग हो गए तो उन लोगों ने दस्तक दी। उन्होंने अंदर से पूछा कौन। फ़ज़ल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपसे मिलने आए हैं। इसके जवाब में उन्होंने बड़ी बेनियाजी से फरमाया, मुझसे अमीरुल मोमिनीन को मिलने की क्या ज़रूरत है? फ़ाज़ल ने कहा कि क्या आप पर इताअत ज़रूरी नहीं? इसके बाद इब्ने अयाज़ कोठे से नीचे उतरे और दरवाज़ा खोला। हम लोग उनके पास बैठ गए, उन्होंने चराग गुल कर दिया और ख़ुद एक गोशे में बैठ गए। इत्तफाक़ से अंधेरे में हारून का हाथ फ़ुज़ैल के बदन पर पड़ गया। फ़ुज़ैल बिन अयाज़ ने कहा कि कितना नर्म हाथ है, काश कल ये अजाब दोज़ख़ से बच जाए। हारून रशीद ने इसके बाद कुछ हिदायतें करने की फरमाइश की। इब्ने अयाज़ ने बड़े पुरोसर अंदाज में फरमाया कि उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह अन्हु खलीफा मुंतखब हुए तो उन्होंने सालिम बिन मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन काब अल करजी और रिजा बिन हैवात रहिमहुल्ला को बुलाया और पुरदर्द लहजे में फरमाया कि मैं इस आजमाइश में डाल दिया गया हूँ, आप लोग मुझे इस सिलसिले में मशवरा दीजिए। तो उन्होंने खिलाफत की जिम्मेदारी को बिला आजमाइश करार दिया। आप और आपके असहाब ने इसको महज नेमत करार दिया। सालिम बिन अब्दुल्ला ने उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह अन्हो से फरमाया कि इस दुनिया में एक रोज़ादार की तरह रहना चाहिए। इब्ने काब ने कहा कि जो मुसलमान आपसे बड़े हैं आप उन्हें अपने वालिद की तरह समझें और जो छोटे हैं उन्हें अपना बेटा समझें, तो बाप की तौकीर कीजिए, भाई का इकराम और एज़ाज़ कीजिए और बेटों से पूरी शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आइए। रिजा बिन हैवात बोले कि अगर आप कल क़यामत के दिन अजाब इलाही से निजात चाहते हैं तो मुसलमानों के लिए वही पसंद फरमाइए जो अपने लिए पसंद फरमाते हैं, जो आप अपने लिए नापसंद करते हैं वो मुसलमानों के लिए भी नापसंद फरमाएं। इब्ने अयाज़ ने हारून को मुखातिब करते हुए फरमाया कि उस दिन जिस दिन लोगों के पैर अपनी जगह से डगमगा रहे होंगे तो आपके लिए मैं बहुत खायफ हूँ।
آپ پر خدا رحم و کرم کرے، آپ کے قریب ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپ کو اس طرح کا مشورہ دے سکیں۔ یہ سن کر ہارون پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اس پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر جب یہ کیفیت دور ہوئی تو ہارون نے کہا کہ خدا آپ پر رحم فرمائے، کچھ اور ارشاد فرمائے۔ ابن عیاض نے پھر اسی انداز میں فرمایا کہ امیر المومنین، مجھے یہ بات معتبر طریقے سے معلوم ہوئی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے ایک عامل نے ان کو خط کے ذریعے اپنے کسی تکلیف کا اظہار کیا، جواب میں انہوں نے لکھا کہ میرے بھائی، میں تم کو اہل دوزخ کے دوزخ میں عبدالعباد تک جاگتے رہنے کی یاد دلاتا ہوں، اور ڈرو کہ کہیں خدا کے پاس اس حالت میں واپس ہو کہ تم کو بخشش کی کوئی امید نہ رہ جائے۔ جب یہ خط اس عامل نے پڑھا تو سارے کام چھوڑ کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے وجہ دریافت کی تو بولا، آپ کا خط پڑھ کر میں نے تہیہ کر لیا کہ اب موت تک کسی ذمہ داری کو قبول نہ کروں گا۔ یہ سن کر ہارون پر ایک بار پھر رقت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر آپ نے مزید ہدایت کی خواہش ظاہر کی۔ ابن عیاض نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک بار خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور خواہش ظاہر کی کہ مجھے کسی جگہ کا امیر بنا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امارت کی ذمہ داری قیامت کے دن سراسر حسرت و ندامت ہوگی، اس کی خواہش نہ کیجئے۔ اس پر ہارون ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور مزید کچھ کہنے کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا کہ اے خوبرو چہرے والے، قیامت کے دن اپنی خلق کے بارے میں خدا تعالی پوچھ گچھ کرے گا، اگر آپ یہ خوبصورت چہرہ آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو اس طرح بچائیے کہ کبھی بھی کسی رعیت کی طرف اپنے دل میں کوئی کھوٹ کینہ نہ رکھیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی طرف سے کینہ اور کھوٹ رکھتا ہے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ یہ سن کر ہارون پھر رو پڑا۔ جب سکون ہوا تو اس نے پوچھا کہ آپ پر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ ابن عیاض نے فرمایا، ہاں میرے رب کا قرض میرے اوپر ہے جس کا وہ محاسبہ کرے گا، میری تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اگر اس نے مجھ سے سوال کیا میری بربادی ہی ہے، اگر اس نے پوچھ گچھ کی تو اس کا جواب اس نے کافی نہیں سمجھا۔ ہارون بولا، میں بندوں کے قرض کے بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ بولے، میرے رب نے اس کا حکم مجھے نہیں دیا ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تنہا اسی کو رب سمجھوں اور اسی کی اطاعت کروں۔ پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کے بعد ہارون رشید نے آپ کو 1000 دینار دیے اور فرمایا، کہا کہ اسے قبول کیجئے اور اپنے اہل و عیال پر صرف کیجئے۔ بولے، سبحان اللہ، میں آپ کو نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور آپ اس شکل میں بدلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ فرمانے کے بعد بالکل خاموش ہو گئے۔ ہارون اپنے قافلہ کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا اور باہر نکل کر فاضل سے کہا کہ آئندہ اگر کسی کے پاس لے چلنا ہو تو انہی جیسے آدمی کے پاس لے چلنا، یہ واقعتاً سید المسلمین ہیں۔